मजा आ रहा है। और इस बार रिवर स्वीप किया, एक ही रन मिलेगा, उतना उपजाऊ नहीं रहा जितना कि वो सोच रहे थे, लेकिन फील्डर एक खड़ा किया गया था शॉर्ट माइन लेग पर, वो तुरंत ही आ गया। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, यानी कि हर बॉल पर जितनी भी बची है 63 बॉलें, 2 रन प्रति बॉल बनाना है दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को अगर ये मैच जीता है। इस बार शॉर्ट बॉल की ऑस्टम के बाद, ये एक मौका था बाउंड्री हासिल करने का, लेकिन चूके पूरी तरह से पटे, जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट पहले मैच में 39 रन बनाए थे, फिर इंग्लैंड लेजेंड्स के अगेंस्ट 23 रन बनाए थे, और आज 32 बॉलों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं और अच्छी शुरुआत दिलाई है दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को। इस बार धीमी गति से डाली थी बैट्स के ऊपर ये बॉल, बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए, अच्छा ओवर कहना होगा ये प्रज्ञान ओझा का। अभी तक स्पिन गेंदबाजी का पूरा ज्ञान कर रहे प्रज्ञान, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो धीमी गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे हैं कि वो जोर से शॉट लगाएं। आपको और निखिल चोपड़ा को तो मुशायरों में बुलाने वाले हैं यहाँ के लोग। ऑफ्सम के बाहर से स्वीप कर दिया उसे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी थी, 2 रन लेने का मौका, 10 ओवर समाप्त, 81 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स। परफ्यूम वाला पाउडर दे दो ना, एक फॉग मास्टर लाना। 24 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट 12.40 और निखिल चोपड़ा को हम एक बार फिर से आमंत्रित कर रहे हैं साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया था, अब बाउंड्रीज की दरकार है यहाँ पे, पट्टी का बैंडिंग जानते हैं, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी जो सुशील जी हुआ था, वो 2.5 मिनट का जो अंतराल होता है वो टीम्स को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए बहुत बढ़िया होता है, खासतौर से जब आप चेस कर रहे होते हैं कि आप अनुमान लगाते हैं कि बतौर चेसिंग टीम अगली 30 गेंदों में आप कहाँ होना चाहते हैं, कि स्कोर के पास, और आप टारगेट करते हैं कि कौन से गेंदबाज को आप टारगेट करेंगे रन बटोरने के लिए, क्योंकि लगभग 5 गेंदबाज गेंदबाजी कर चुके होते हैं। ये गैप में खेला गया, एक बाउंस और 4 रन, शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरी तरीके से उसका फायदा उठाया वैन विक ने। वैन विक के अगर बैगिंग व्हील भी अगर देखेंगे तो अमूमन सभी बड़ी हिट्स और प्रहार जब करते हैं वो ऑन साइड की तरफ ही करते हैं, और मिड विकेट उनका पसंदीदा इलाका नजर आ रहा है। तो ये देखिए किस तरह क्रीज की गहराई का उपयोग किया, संतुलन कैसा बनाया शरीर का, और बहुत ही अच्छे तरह संतुलित होकर खेलते हैं, और बायां पांव बाईं तरफ हटा लिया ताकि संतुलन बराबर बनाकर रख सके, और फिर पोजीशन करके मिड विकेट पर पुल कर दिया, और फिर से बैकफुट पर गए और फिर पुल किया, फिर मिड विकेट की तरफ, इस बार एक ही रन मिलेगा।